दोस्तों आरआरसी रेलवे के द्वारा फिर से वैकेंसी जारी हो गई है। इस फॉर्म की डिटेल के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जाबिर अंसारी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये जो आपकी भर्ती जारी की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपको अप्रेंटिस की वैकेंसी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो ये जो आपकी भर्ती अप्लाई होने का डेट है 23 दिसंबर 2019 से। आप इस फॉर्म को दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको छोड़ देना है, मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये फॉर्म है ऑफलाइन नहीं है, इस फॉर्म को दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, कहीं पोस्ट नहीं करना है। इसका जो लास्ट डेट रहेगा 22 जनवरी 2020 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पेमेंट करने का जो डेट है दोस्तों 22 जनवरी तक आप फी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं और इसी डेट तक दोस्तों इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो फी पेमेंट करना है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज फी पेमेंट करना है, एससी एसटी और पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पर जो फी पेमेंट करना है बिल्कुल फ्री इस फॉर्म को अप्लाई करना है, यानी कि नो फी यहाँ पे आपको बताई गई है। जो भी कैंडिडेट फी पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आपको फी पेमेंट करने का कई प्रकार की मेथड दी गई हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा फी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों ऑफलाइन फी पेमेंट करना चाहेंगे तो चालान के द्वारा आप फी पेमेंट कर सकते हैं एसबीआई के द्वारा। दोस्तों जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे जोन आपका ये जॉब लोकेशन रहेगा। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो आपका एज मांगा गया है 1 दिसंबर 2019 से आपका एज लिया जाएगा, मिनिमम 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष आपकी यहाँ पे एज मांगी गई है। टोटल जो यहाँ पे दोस्तों आपको पोस्ट मिलेगा 2562 इसमें पोस्ट जारी की गई है, यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी मिल जाएगी। जोन वाइज यहाँ पे पोस्ट के बारे में हम बात करें तो मुंबई जो आपका क्लस्टर जोन जो है इसमें दोस्तों कैरिज एंड वैगन कोचिंग वाड़ी बंडर इसमें आपको जो दोस्तों टोटल पोस्ट मिलेगा 258 पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे कल्याण डीजल सेल के लिए बात करें तो 53 पोस्ट इसमें आपको मिल जाएगी और यहाँ पे कुरला डीजल सेट के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको 60 पोस्ट मिल जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एसआरडी इसके लिए अगर हम बात करें तो 179 पोस्ट मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों एसआरडी कुरला इसके लिए यहाँ पर जो पोस्ट आपको जारी की गई है 192, पैरल वर्कशॉप में 418 पोस्ट मिल जाएगी और यहाँ पे जो आपका पोस्ट है नटनटुंगा वर्कशॉप में आपको 547 पोस्ट मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको बाइकुल्ला में 60 पोस्ट मिल जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट दोस्तों ये है आपका जोन भुसावल क्लस्टर, इसमें आपको दोस्तों कैरिज एंड वैगन डिपोर्ट में 122 पोस्ट मिलेगी, इलेक्ट्रिकल लोको सीड में आपको 80 पोस्ट मिलेगी, 118 पोस्ट आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नमंड वर्कशॉप में आपको 51 पोस्ट मिलेगी और यहाँ पे नासिक रोड में 50 पोस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जोन है दोस्तों पुणे, इसमें आपको कैरिज एंड वैगन डिपार्ट में 31 पोस्ट मिलेगी, डीजल लोको सीड में आपको 21 पोस्ट मिलेगी और यहाँ पे नागपुर आपका नेक्स्ट जो आपका जोन है इसमें इलेक्ट्रिक लोको सीड अजनी इसमें आपको 48 पोस्ट मिलेगी और यहाँ पे कैरिज एंड वैगन डिपार्ट में 80 पोस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका यहाँ पे जोन है सोलापुर, इसमें दोस्तों आपको कैरिज एंड वैगन डिपार्ट में 73 पोस्ट मिलेगा, कुर्दवाड़ी वर्कशॉप में 21 पोस्ट आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सैलरी है पे स्केल, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एज पर रूल्स हैं, यानी कि अभी जारी नहीं की गई हैं। आपका दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस पोस्ट को सबमिट करने के लिए, हाई स्कूल के साथ आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आईटीआई का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपके हाई स्कूल में दोस्तों 50% होनी चाहिए और आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये आईटीआई का सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th का, उसके बाद 10वीं के साथ आपके पास एज प्रूफ का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि आपका 10वीं का ही सर्टिफिकेट रहेगा तो भी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद दोस्तों आईटीआई का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपका दोस्तों सेमेस्टर वाइज है तो पूरा आपका आठ सेमेस्टर का यहाँ पे चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर वाइज नहीं है तो आपका फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कॉपी ऑफ कॉस्ट यानी कि कास्ट का सर्टिफिकेट जो भी कैंडिडेट PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए यहाँ पे ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट सर्विसमैन है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। फ़ोटो आपका जो होने चाहिए 20 से 70 के बी का होना चाहिए और सिग्नेचर 20 से 30 के बी का होना चाहिए। दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरीफाई होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने का दोस्तों जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों नोटिफिकेशन चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चेक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस फॉर्म से संबंधित या अदर किसी फॉर्म से संबंधित आपको कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।